नमस्कार दोस्तों, रीट अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आपने विज्ञप्ति को विस्तृत रूप से देख लिया होगा जो कि देर रात जारी कर दी गई थी और इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाल भी दिया था और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो है पोस्ट यहां पर जारी की जा चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद। तो देखिए, आप जब आप चयन प्रक्रिया वाले इस पोर्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा चौथे नंबर का जो पॉइंट है, इससे आप क्लियर कर लीजिएगा कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचनाएं या प्राप्तांकों के आधार पर, यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो जो आप सूचनाएं वहाँ पर भरते हैं और जो आपके प्राप्तांक हैं उसके आधार पर संबंधित पद की रिक्तियों की 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण सूचना है मित्रों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची जो है वो जारी की जाएगी, यानी जो भी आप आवेदन प्रक्रिया में अपने प्राप्तांकों को भरते हैं उसके बाद जो लिस्ट जारी की जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 2 गुना अभ्यर्थियों की जारी की जाएगी, यानी 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, उनका दस्तावेज सत्यापन होगा, जैसे कि सेकेंड ग्रेड 2018 और फर्स्ट ग्रेड 2018 में देखने को मिला था। तो इस तरह से 2 गुना अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह की सूचना पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।